हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मूल मंत्रों के बारे में जिससे हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो मूल मंत्र कौन कौन से हैं जिनसे हम हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। वेलकम टू कैप्टन एग्रो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जिनसे हम हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और हमें इन मूल मंत्रों से जरूर फायदा होगा। तो आप इन मूल मंत्रों को बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा और इन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इन मूल मंत्रों का प्रयोग करके हमारी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला मूल मंत्र है हमारा कि हमें समय पर बुआई करनी है। क्या करना है, हमें समय पर बुआई करनी है। अगर हम समय पर बुआई करेंगे तो हमारी फसल का उत्पादन हमें ज्यादा प्राप्त होगा जो दूसरी फसलों की अपेक्षा। जो एक तरीके से टाइम पीरियड पे हम जो बुआई नहीं करते हैं, जो आगे पीछे बुआई कर देते हैं, उसमें क्या है, प्रोडक्शन में अंतर मिलेगा आपको। आप एक तो समय पर बुआई जरूर करें फसलों की। अगर समय पर बुआई करोगे तो आपकी जो फसल होगी ना उसकी कटाई भी समय पर हो जाएगी और आगे आने वाली फसल में आपको कृषि क्रियाएं करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा पहला मूल मंत्र है। दूसरा मूल मंत्र हमारा आता है कि जो हम बीज ले रहे हैं, जो बीज हम हमारा ले रहे हैं, घर वाला जो बीज हम ले रहे हैं, उससे हम डायरेक्ट बुआई कर देते हैं तो वो क्या है, पूरे बीज नहीं उग पाते हैं। तो हमें उन्नत बीज लेना है, जो प्रमाणीकृत जो बीज हैं उन्हीं बीज का प्रयोग हमें फसलों की बुआई में करना है। अगर हम एक अच्छा बीज लेंगे जिसका जर्मिनेशन परसेंटेज ज्यादा होगा तो सारे के सारे बीज आपकी फसल के अच्छे से उग पाएंगे और आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। करीबन करीबन 20-25% जो प्रोडक्शन होता है फार्मर के, वो इसी कारण होता है। फार्मर क्या करता है, जो घर पे अपना बीज रखा हुआ है पुराना, उसी से बुआई कर देता है। अब उसी से बुआई करता है तो होता क्या है कि पूरे बीज नहीं उग पाते क्योंकि उनका जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम होता है। तो हमें एक अच्छा बीज लेना है, प्रमाणीकृत बीज लेना है जिससे सारे के सारे बीज उग पाए और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो पाए। अब देखो, पहला हमने क्या किया, समय पर बुआई करेंगे, दूसरा प्रमाणीकृत बीज लेंगे। अब हमने जो प्रमाणीकृत बीज लिया है इसको हमें क्या करना है, थर्ड मूल मंत्र हमारा है। थर्ड मूल मंत्र क्या है कि हमें उसको उपचारित करना है, बीजों उपचार करना है। बीजों उपचार करना बहुत जरूरी है। किसान भाई क्या करते हैं कि डायरेक्ट बीज तो ले आएंगे या फिर अपना जो घर का बीज है उसको भी ले लेंगे और डायरेक्ट बुआई कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसमें फंगस जनित बीमारियां हो जाती है, बहुत सारे इंसेक्ट लगने लग जाते हैं। तो हमें बीजों उपचार करना है। बीजों उपचार करने से क्या होता है कि एक तो उसमें कोई भी फंगस जनित कोई बीमारियां नहीं लगेगी, एक तरीके से रोग कीट वगैरह इन सबके प्रकोप जो होता है वो बहुत कम होता है। तो हमें बीजों उपचार करना है, ये हमारा थर्ड मूल मंत्र है। फोर जो मूल मंत्र आता है वो फोर क्या है कि सबसे पहले तो हमने समय पर बुआई की, सेकेंड हमने क्या किया है एक तरीके से बीजों उपचार किया है, फिर उसके बाद सीड रेट अच्छे से लेनी है कि जितनी सीड रेट की अगर हम बात करें कि हमें जो बीज की क्वांटिटी है, कहने का मतलब जैसे 100 से 120 किलो पर हेक्टेयर सपोज करो गेहूं का बीज हमें लेना है तो वही हमें लेना है। ऐसा नहीं है कि उससे भी कम बीज हम ले रहे हैं। अगर उससे भी कम बीज लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, पूरे पौधे नहीं उग पाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक तो हमारा जो बीज दर है वो भी हमें फिक्स लेनी है, समय पर बुआई करनी है, बीजों उपचार करना जरूरी है और एक तरीके से प्रमाणीकृत बीज लेना है। तो हमारे चार मूल मंत्र हो गए। पांचवा मूल मंत्र हमारा क्या है कि जो गर्मी का सीजन होता है, बिल्कुल भयंकर जब गर्मी पड़ती है उस टाइम पे आपको गहरी जुताई करनी है आपके खेत में। जब खेत खाली रहता है उस टाइम पे तो आप गहरी जुताई करो। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि एक तो जुताई जो करोगे आप वो आपको किससे करनी है, एक तरीके से मोल प्लाउर आता है, मोल्ड बोर्ड हल जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने से मिट्टी के इतने मोटे मोटे ढेले निकलते हैं और जब वो निकलेंगे तो उसके नीचे जो कीट वगैरह है, बहुत सारे कीटाणु हैं, जो कीट हैं वो सारे के सारे धूप में ऊपर आ जाते हैं, जितनी भी लटे वगैरह है सब ऊपर आ जाती है और ऊपर आने से धूप की वजह से क्या होती है, सारी की सारी मर जाती है, उनकी जो छोटे छोटे लार्वा वगैरह है सब मर जाता है। तो आपके आगे आने वाले फसल में एक तो कोई भी कीट वगैरह नहीं लगेगा, बहुत कम लगेंगे। दूसरा उसमें जो खरपतवार के बीज होते हैं, खरपतवार भी हमारा नष्ट हो जाता है, सूख जाता है क्योंकि तेज धूप पड़ती है उस टाइम पे। दूसरा आपको गहरी जुताई करने से फायदा क्या होगा कि आपके खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो उस पानी को ग्रहण करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ेगी। तो हमारा जो पांचवा मूल मंत्र है वो क्या है कि हमें गर्मियों में जुताई करनी है। छठवां मूल मंत्र क्या है हमारा कि हमारी जो मिट्टी है खेत की,
अलग अलग खेतों की अलग अलग मिट्टी होती है, तो हमें मिट्टी जांच जरूर करवानी चाहिए। मृदा जांच करवाने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे इस खेत में किस पोषक तत्वों की कमी है। भाई फार्मर क्या करता है, अधिकतर नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, फॉस्फोरस वगैरह ये देता रहता है, बाकी हमारे एक पौधे के लिए 17 टोटल पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। अगर उस 17 में से एक भी नहीं मिलेगा तो एक तरीके से उसका प्रोडक्शन कम हो पाएगा, तो हमें और भी पोषक तत्वों को देना चाहिए हमारी फसल में। ये हमें पता कब चलेगा, जब आप मिट्टी की जांच करवाएंगे, उससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमारी मिट्टी का पीएच मान कितना है, हमारी मिट्टी अम्लीय है क्षारीय है, अगर अम्लीय होगी तो चूना डालेंगे, क्षारीय होगी तो जिप्सम डालेंगे, इन सब का हमें ध्यान रखना है। अगला मूल मंत्र हमारा कि जो दलहनी और जो तिलहनी फसलें हैं उनमें हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम का प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारी मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। तो ये कुछ मूल मंत्र है। और मूल मंत्र हम बात करें, फार्मर क्या करता है, जैसे फसल की कटाई की हार्वेस्टिंग करवाई, जैसे बात करें सोयाबीन की, अभी सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन थोड़े दिनों बाद में हार्वेस्ट होने वाला है, तो फार्मर फटाफट कंबाइन मशीन से उसको हार्वेस्ट करवा लेता है और डायरेक्ट मंडी में बेच देता है, जिससे होता क्या है उसको भाव कम मिलते हैं। भाव कम मिलने का रीजन क्या है, एक तो कि आपका सोयाबीन गीला था, उसमें नमी थी, दूसरा उसको आपने सुखाया ही नहीं, और तीसरा उसको ग्रेडिंग आपने किया ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके पास जो उपज निकली है ना उसको आप सुखाइए बिल्कुल अच्छे से, जब बिल्कुल अच्छे से सूख जाए उसके बाद में आप उसमें करिए ग्रेडिंग। ग्रेडिंग करने से क्या होगा कि अच्छे अच्छे जो दाने होंगे ना आपको बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और जब आप उसको मार्केट में लेके जाओगे, मंडी में लेके जाओगे, तो आपको अच्छा दाम मिलेगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला मूल मंत्र है हमारा कि फार्मर जो फसल होती है उसको एक मतलब एक ही एक फसल बोता है बार बार, जैसे गेहूं बो दिया फिर सोयाबीन, फिर गेहूं फिर सोयाबीन, बस ऐसे अपनाता रहता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी फसलों को बदल बदल कर बोना है ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सके। क्रॉप रोटेशन हमें अपनाना है, जिसको हम बोलते हैं फसल चक्र, कि अगर फसल को हम बदल बदल के बो रहे हैं तो उससे जमीन में एक तरीके से चेंजेस आना लगेगा, जो फर्टिलाइजर वगैरह है उनमें भी चेंजेस आएंगे, अलग अलग फसल में अलग अलग खाद डलता है, तो सारी की सारी पूर्तियां हमारे खेत में हो पाएगी, दूसरा हमारी फसल का उत्पादन भी अधिक होगा। बात करें अगले मूल मंत्र की, तो अगला मूल मंत्र है हमारा कि हमें फसल की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी है। क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि जिस टाइम पे फसल को पानी चाहिए, अगर उस टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो फसल हमारी सूख जाएगी, तो हमें क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना बहुत जरूरी है। जैसे बात करें गेहूं में, 21 दिन का जब गेहूं हो जाता है तो उस टाइम पे पानी पिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी क्रांतिक अवस्था है, अगर उस टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो पौधे सूखने लग जाएंगे और उसकी वजह से हमारी फसल का उत्पादन भी घट जाएगा। तो हमें क्या करना है कि क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना है। अगला, सिंचाई करते समय हमें फव्वारा, ड्रिप, पाइपलाइन इनका यूज करना चाहिए, जिससे पानी की बचत होगी। किसकी बचत होगी? पानी की बचत होगी, और जब पानी की बचत होगी तो एक तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। जितना पानी पौधे वगैरह होते हैं वो गल जाते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि फसल को जितना पानी चाहिए उतना पानी ही हमें देना है, ज्यादा नहीं देना है। अगला मूल मंत्र है हमारा कि जो फार्मर के पास जो जमीन होती है, आप किसी जो अच्छे खासे जो फार्मर होते हैं उनके पास तो बिल्कुल एक जैसी समतल जमीन होती है, जैसे आपको टेबल दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी कुछ जमीन ऐसी होती है जो ढलानदार होती है। सपोज करो जमीन पर ऐसे ढलान है, कैसे ढलान है ऐसे, तो हमें इसमें जो कृषि क्रियाएं करनी है, जो बुआई करनी है, जो हकाई जुताई करनी है, बुआई हमें इसमें आड़ी करनी है। कैसे करनी है? आड़ी, ढलान के आड़ी बुआई करने से क्या होगा कि एक तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पानी को रोकने की क्षमता बढ़ेगी, पानी इसमें अधिक टाइम पे रुकेगा, तो हमें ढलान पे एक तरीके से जो ढलान होती है उससे आड़े हमें बुआई करनी है। अगला मूल मंत्र है हमारा किसान भाइयों कि जो हमारे मित्र कीट वगैरह है उनकी हमें रक्षा करनी है अधिक से अधिक। एक तरीके से गोबर की खाद का प्रयोग करना है, और अगर आपने सब्जियां वगैरह उगा रखी है तो उसमें जैसे कीट वगैरह लग जाते हैं, पतंगे वगैरह, मच्छर वगैरह, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं मार्केट से दवाई लाते हैं और स्प्रे कर देते हैं। अब ऐसा करने से हमारी फसल में नुकसान है। नुकसान क्या है कि जो रसायन है उनसे हमारे अंदर बीमारी आती है, उस सब्जियों को हम ही खाते हैं, तो हम इन छोटी छोटी चीजों से बच सकते हैं। आप कीड़ों को पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप का यूज करें। लाइट ट्रैप क्या होता है कि आप घर पे भी बना सकते हो, देसी जुगाड़ से जो टिन आता है, लोहे का जो पीपा होता है, तेल का पीपा जो आप लेके आते हो, तेल की कैन, उसको चारों तरफ से काट दो और काट के उसमें बीच में एक बल्ब लगा दो। क्या लगा दो? बल्ब। और आपकी जो पूरी क्यारी है उसके बीच में आप उसको लटका दो कहीं पर। जब बल्ब जलेगा नाइट के समय, और नीचे आपका जो तेल मतलब पीपा है उसमें नीचे तेल भर देना है आपको केरोसिन का, जिससे क्या होगा कि जितने भी कीड़े होंगे बल्ब के पास आएंगे और उस तेल में गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस प्रकार से डेली हम कीड़ों को कम कर सकते हैं, जो हमारे इंसेक्ट जो मच्छर वगैरह है उनको कम कर सकते हैं। तो ऐसी टेक्निक्स को हमें अधिक से अधिक अपनाना है ताकि हमारी फसल का उत्पादन भी बढ़े, साथ में हमें नुकसान भी ना हो और पैसों की बचत भी हमारी हो। अगला मूल मंत्र है हमारा कि हमें उन्नत संसाधन जो है, उन्नत जो मशीनें हैं उनका उपयोग करना है, ताकि हम श्रम से
और अधिक जो मजदूरों में जो पैसा हमारा लग रहा है उससे हम बच सके, क्योंकि एक तो मशीनों से समय की बचत होती है, दूसरा पैसों की भी बचत होती है। आजकल के जो मजदूर होंगे वो काफी ज्यादा पैसा देते हैं और आपको पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं करते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें उन्नत मशीनों का उपयोग करना है ताकि जिससे हमारे पैसों की बचत हो सके और समय की बचत हो सके। अगला पॉइंट मंत्री हमारा कि किसान भाई अपनी फसल का बीमा जरूर करवाए। फसल का बीमा करवाने से क्या होता है कि अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो आपको उसका कुछ पैसा आपको सरकार दे देती है, गवर्नमेंट दे देती है। तो हमें क्या करना है, फसल का बीमा भी जरूर करवाना है। अगला पूर्ण मंत्री हमारा कि हमें नकदी फसलें जो होती है उनकी बुआई करनी है ताकि हमें निरंतर क्या हो सके, आय हमें हमारी होती रहे, हमें निरंतर पैसा मिलता रहे। नकदी फसलों का मतलब है हम सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं जिससे डेली की डेली तोड़ के मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे हम अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। इन फसलों को हम बोलते हैं नकदी फसलें। अगला हमें थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ भी चढ़ना है, क्योंकि जैविक खेती करने से क्या होगा कि एक तो रसायनों का यूज हम उसमें नहीं करेंगे और जब उस फसल को हम खाएंगे जो ऐसे गेहूं जो बिल्कुल जैविक हैं, अगर उनको खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियां वगैरह भी नहीं होगी। तो हमें जैविक खेती की तरफ भी ध्यान देना है और जैविक खेती भी करना है थोड़ा सा धीरे 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 करके हम जैविक खेती करना शुरू करना चाहिए। अगला लास्ट मूल मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो मतलब दवाइयां वगैरह की जो शॉप होती है, खाद वगैरह की जो दुकानें होती है, वहां से बिल नहीं लेते हैं। तो हमें बिल लेना बहुत जरूरी है। बिल लेने से क्या होता है कि हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे न्यूज आपने पढ़ी हो कि जो फार्मर होते हैं दवाई वगैरह लाते हैं और उसका स्प्रे करते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, और अगर उसका बिल उस फार्मर ने नहीं लिया है तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कहीं से भी कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, सरकार भी उसकी मदद नहीं कर सकती है। तो हमें उन दवाइयों की दुकान से बिल वगैरह जरूर लेना है। आई होप किसान भाइयों आपको सारे के सारे मूल मंत्र अच्छे से समझ के आ रहे होंगे। तो आपको इन मूल मंत्रों को बिल्कुल अच्छे से समझ के आप इन पे ध्यान जरूर दें और इनका उपयोग जरूर करें जिससे हमारी फसल का उत्पादन बढ़ सके, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी आय में बढ़ोतरी होगी। एक तो आपको समय का ध्यान रखना है, समय पर बुआई करनी है, उन्नत बीज आपको लेना है, उसको बीजोपचार करना है, गर्मियों में गहरी जुताई करनी है, क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करनी है, जितने बिल्कुल अच्छे से याद रखें और आप अच्छे से अपनी फसल को एक तरीके से अच्छे से अच्छा उत्पादन आप। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों में शेयर करें ताकि सभी किसान भाई मूल मंत्रों के बारे में जान सके और अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो रेड कलर का बटन है उस पर प्रेस करें और पास में उसके पास में एक बेल आइकन का बटन भी आ जाएगा, उस पर भी आप क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।